आज मैं चने की दाल की चटनी बनाने जा रही हूँ। चने का दाल, बादाम और नारियल, इसमें थोड़ा सा अदरक मिर्चा लगता है और ज़रा सा नमक स्वाद अनुसार। घर पर दही हो तो दही डाल सकते हैं खट्टा के लिए। और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद करी पत्ता और सरसों का पाउडर देना है। बस एक स्वादिष्ट चने की दाल और बादाम नारियल मिक्स करके इडली डोसा के साथ खाने वाले, उत्तपम के साथ खाने वाले एक स्वादिष्ट चटनी तैयार हो सकती है। तो सबसे पहले बादाम को भून लेना है, उसी में चना का दाल डाल करके उसको भी भून लेना है। ठंडा होने के बाद हाथ की मदद से बादाम का छिलका उतार लेना। उतारने के बाद मिक्सी में नारियल डाल करके सबको एक साथ ग्राइंड कर देंगे। नमक डाल करके, ये मिर्चा अदरक डाल करके एक साथ ग्राइंड कर देंगे। और ग्राइंड करने के बाद सरसों के तेल में सरसों और करी पत्ता का फोरन दे करके, जिस तरह से हम लोग दाल छौंकते थे उसी तरह से उसके ये जो ग्राइंड किया हुआ चटनी है उसको कटोरी में निकाल लिए। और निकालने के बाद उसको आराम से बादाम का छिलका को जैसे भी हम लोग करते हैं उसी तरह से करके नारियल पूरा बादाम का छिलका निकाल दें। मैक्सिमम छिलका निकाला जा चुका है। अब इसको मिक्सी में डाल देना है। नारियल भी डाल देंगे मिक्सी में। और यह जो हमारा चना बादाम है, चना का दाल और बादाम, इसमें चना का दाल, बादाम, नारियल तीनों ही है। और यह मिर्चा और अदरक को भी थोड़ा काट करके डाल देंगे इसमें। इसमें दही भी डाला जा सकता है, और यदि दही अवेलेबल नहीं है तो पानी डाला जा सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। और फिर अंदाज से थोड़ा सा नमक डाल करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड हो चुका है। अब इसको एक किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेना है। छत पर ही करी पत्ता का पौधा था तो वहीं से और करी पत्ता मैं ले आई हूँ। ला करके उसको धो लेना है। और धोने के बाद इसी का छौंक लगा देना है। तो छौंक लगाने के लिए कलछुल गरम किए, इसमें सामान्य जरा सा तेल डाल देंगे। इसमें कलछुल में पहले करी पत्ता इसलिए डाल दी ताकि वो गर्म धोया हुआ है करी पत्ता, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि तेल डालने से फिर वो छिटकता बहुत ज़ोर से है, तो इसलिए मैं पहले करी पत्ता डाल दी। थोड़ा सा सामान्य सफ़ेद तेल डाली, इसीलिए सरसों और सूखा मिर्च डाल करके बस इसी का छौंका लगा देना। चटनी बनकर के स्वादिष्ट चटनी, चना का दाल, बादाम और नारियल से स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। इसको किसी के साथ इडली डोसा, ये आपका उत्तपम आराम से खाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बना करके एक बार ट्राई करिए, स्वयं भी खाइए। कमेंट बॉक्स में वैसे ही इसका जवाब लिखिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।